سامعین حضرات کی خدمت میں سپر کیسٹ انڈسٹریز ٹی سیریز پیش کر رہے ہیں واقعات کی کیسٹ کا ایک اور حسین باب جس کا عنوان ہے محبت کے آنسو۔ حضرات یہ محبت کے آنسو کس کے ہیں ذرا تفصیل سے ملاحظہ کیجئے گا۔ ایک امیر آدمی کے یہاں ایک غریب انسان کی بیٹی نوکری کرتی ہے، لیکن وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر اس رئیس آدمی کا بیٹا اپنا دل ہار جاتا ہے، یعنی عاشق ہو جاتا ہے۔ اب اس کہانی کا انجام کیا ہوتا ہے یہ آپ اس کہانی میں سنیں گے۔ جناب شوق وزیر گنجوی جو ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں اور جن کے کلام آپ اکثر و بیشتر سن رہے ہیں، انہی کی یہ تخلیق ہے، یہ واقعہ انہوں نے ہی لکھا ہے اور اس میں میوزک دے رہے ہیں عمر خان، فنکار تسلیم عارف قوال سید پور بدایونی۔ لیجیے گا سماعت فرمائیے محبت کے آنسو۔ آ محبت ہو اگر سچی تو ہو جاتا ہے کچھ حاصل، اور کٹھن ہو کتنی ہی راہیں مگر مل جاتی ہے منزل۔ یہ بات حقیقت ہے کہ محبت ہو اگر سچی تو ہو جاتا ہے کچھ حاصل، لیکن کٹھن کتنی بھی ہو راہیں مگر مل جاتی ہے منزل۔ یہ معنی عشق میں غم کے بہت طوفان آتے ہیں مگر ایک روز کشتی کے لیے مل جاتا ہے ساحل۔ اسی لیے شوق وزیر گنجوی کہہ رہے ہیں، لو شوق سے کور نیا واقعہ سنو، لو شوق سے پھر اور نیا واقعہ سنو، ایک سچی محبت کا ہے یہ ماجرا سنو، ایک سچی محبت کا ہے یہ ماجرا سنو، ایک سچی محبت کا ہے یہ ماجرا سنو، لو شوق سے ایک اور نیا واقعہ 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 سنو، ایک سچی محبت کا ہے یہ ماجرا سنو، ایک سچی محبت کا ہے یہ ماجرا سنو، ایک سچی محبت کا ہے یہ ماجرا سنو۔ ہمارے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ لوگ بھی جڑ جائیے اور سنیے کہ آخر یہ ہے کیا۔ ہے یہ افسانہ ایک محبت کا، درد اس میں ملے گا فرقت کا، ایک دریا کنارے بستی تھی، اس کی پیاری فضا میں مستی تھی، لڑکیاں صبح و شام جاتی تھی، پانی دریا سے بھر کے لاتی تھی، ایک زمیندار تھا بڑا نامی، ساری بستی تھی اس کی آسامی، تھا علاقے میں اقتدار اس کا، ایک لڑکا تھا ہونہار اس کا، خوبصورت جوانی چڑھتا تھا، دور ایک شہر میں وہ پڑھتا تھا، گھر میں بی بی کی حکم تھی، اس پہ قدرت کی مہربانی تھی، کافی نوکر تھے کام کر
इंतजाम करने को। घर में एक खातिमा भी रहती थी, नौजवान एक गरीब लड़की थी, खूबसूरत हसीन थी लड़की, नुक्स ये था गरीब थी लड़की, बाप था एक ज़ईफ बेचारा, माँ थी उसकी न कोई भाई था, खेती करता था वो बटाई पर, अब था बीमार चार पाई पर। मजदूरी करके बाप बुलाती थी वो दवा, मजदूरी करके बाप बुलाती थी वो दवा, मजदूरी करके बाप बुलाती थी वो दवा, मजदूरी करके बाप बुलाती थी वो दवा। लड़की वो जफा कश थी बहुत ने अमीर आदमी के यहाँ नौकरी पे काम करती है, सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ मर चुकी थी, बाप गरीब था। आगे क्या होता है इस वाकये में समाज कीजिएगा। जब उस रईस का लड़का पढ़कर आता है तो इस लड़की को देखकर उसका दिल उस पर आ जाता है। आगे क्या होता है समाज फरमाइए। पढ़ के आया रईस का लड़का, उसने बस्ती में जब कदम रखा, उसके आने की खुशी थी घर घर, सब थे कुर्बान उसकी आदत पर, उस पे हर दम निसार रहते थे, प्यार में उसको राजू कहते थे, बाप माँ पर खुशी का था साया, उनका इकलौता लाल घर आया, उसने देखी जो खादिमा घर में, एक सौदा समा गया सर में, उसके सर सारा काम धंधा था, खूबसूरत थी नाम चंदा था, दिल में सोचा हसीन है चंदा, नाजनी मैं जबीन है चंदा, उसको कुदरत ने हुस्न बख्शा है, किस कदर दिल परे बुनक्शा है, होती जो ये अमीर की बेटी, नाज बरदारी करते सब इसकी, मुफलिसी भी अजीब होती है, झूठे बर्तन बिचारी धोती है, चाय चंदा जो लाई राजू को, बोला वो कितनी खूबसूरत हो, इतना सुनते ही चंदा शर्माई, दिल धड़कने लगा वो घबराई। तीरे नजर का दोनों तरफ बार हो गया, 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 एक दूसरे को देखा था के प्यार हो गया, एक दूसरे को देखा था के प्यार हो गया, एक दूसरे को देखा था के प्यार हो गया। ये लड़का जब शहर से पढ़ लिख कर आता है, ये नौकरानी गरीब की बेटी चंदा उसको चाय लेकर जाती है, उसको देखकर वो अपने होश को बैठता है। आगे क्या होता है। खाली बर्तन जो लेने वो आई, फिर निगाह से निगाह टकराई, होश गुम थे के फिर गई चंदा, लेके बर्तन वो गिर गई चंदा, टूटे बर्तन वो चाय के सारे, चंदा बेदम थी चोट के मारे।
राजू की माँ ने आके फटकारा, लात घूसों से उसको फिर मारा। एकदम राजू दौड़ कर आया, बोला माँ से ये क्या गजब उठाया। चोट कितनी लगी नहीं पूछा, बेखता तुमने चंदा को पीटा। बोली माँ इसको सर चढ़ाता है, इस कमीनी का कोई रुतबा है। टूटे बर्तन भी इससे ले लूंगी, इस महीने में कुछ नहीं दूंगी। दूसरे रोज आके चंदा ने मालिकन से कहा ये रो रो के, बापू बीमार है बहुत मेरे, इस महीने के पैसे दे दीजिए। मालिकन बोली प्याले जो तोड़े, कट गए उनमें तेरे सब पैसे। बोली वो थोड़े थोड़े ले लेना, मालिकन बोली ये नहीं होगा। चंदा को उसने एक भी पैसा नहीं दिया, चंदा को उसने एक भी पैसा नहीं दिया, चंदा को उसने एक भी पैसा नहीं दिया, चंदा को उसने एक भी पैसा नहीं दिया। वो रोती हुई घर लौट गई, सबर कर लिया। रोती हुई घर लौट गई, सबर कर लिया। रोती हुई घर लौट गई, सबर कर लिया। दूसरे दिन वो लड़की आती है, कहती है मेरे बाप बहुत बीमार हैं, दवा के लिए पैसे चाहिए। मालिकन कहती है कि तूने जो कल ये कप तोड़े थे चाय के, इसके पैसे कौन देगा, मैं तुझे इस महीने में एक भी पैसा नहीं दूंगी। वो कहती है कि आप थोड़े थोड़े करके काट लेना जितने के आप कप हो ये। तो आगे क्या होता है सुने गौर से। देखे चंदा के आंसू राजू ने, चोट दिल पर लगी बहुत उसके। चुपके चंदा के घर वो जा पहुंचा, उसके बीमार बाप को देखा। बोला चंदा से पैसे ये लीजे, माँ की गलती माफ कर दीजे। बोली चंदा कहाँ से हम देंगे, इसलिए पैसे हम नहीं लेंगे। इतना सुनकर उदास था राजू, भर गए उसकी आंखों में आंसू। देखा जब ऐसा हाल चंदा ने, ले लिए उसने राजू से पैसे। पैसे देकर वो खुश हुआ बेहद, क्योंकि हासिल हुआ दिली मकसद। देखा हसरत भरी निगाहों से, लब थे दोनों के गर्म आहों से। दोनों थे एक अजीब मंजिल पर, इश्क की चोट खाई थी दिल पर। राज दिल का कहा न जाता था, बेकहे भी रहा न जाता था। लब पे खामोशी का रहा ताला, आंखों आंखों में राज कह डाला। एक रोज राजू शाम को दरिया पे जो गया, ठंडी हवाएं चलती थी मंजर था खुशनुमा, ठंडी हवाएं चलती थी मंजर था खुशनुमा, ठंडी हवाएं चलती थी मंजर था खुशनुमा। राजू शाम के टाइम दरिया के किनारे टहलने के लिए निकलता है, बड़ा सुहाना मौसम था। तो इसने क्या देखा समाप्त कीजिएगा। लड़कियां पानी भरती जाती थी,
छेड़ पानी से करती जाती थी। फिर वो सब ले गई घड़े भर कर, चंदा तन्हा रही किनारे पर। उससे अपना घड़ा न उठ पाया, बोला राजू के ठहरो मैं आया। देखा राजू को तो वो शर्माई, पास पहुंचा तो दिल में घबराई। बोली रहने तो तुम न पास आओ, ये घड़ा मेरा तुम न उठवाओ। देख लेगा जो कोई हम तुमको, क्या खबर हम पे जुल्म क्या क्या हो। मैं गरीब और खादिमा कमतर, तुम जिम्मेदार सबसे बढ़ चढ़ कर। बोला राजू तुम्हें खबर क्या है, मेरा दिल तुम पे कब का शैदा है। ऊंच और नीच कुछ न तुम समझो, ताक में रख में रस में दुनिया को। इश्क में कब ये देखा जाता है, तुमसे शादी करूं ये सोचा है। तू कहता है कि ताक में रख दो इन सब रस्मों को, मेरा दिल तो तुम पर आशिक है और मैंने ये सोच रखा है कि मैं शादी करूंगा तो तुम्हारे ही साथ करूंगा। उसके बाद क्या होता है जब ये बातें होती हैं दोनों में, तो तुमसे शादी नहीं अगर होगी, मौत फिर मेरी हम सफर होगी। इतना कहते ही रो दिया राजू, बोली चंदा ये क्या किया राजू। आप क्यों इस जहां से खो जाएं, आप हम पर निसार हो जाएं। अंजाम इश्क सोचो तो ऐ मेरे मेहरबान, हमसे हसीन अच्छी है कितनी ही लड़कियां। हमसे हसीन अच्छी है कितनी ही लड़कियां। हमसे हसीन अच्छी है कितनी ही लड़कियां। कहती है कि मैं क्या हूं, मुझसे खूबसूरत खूबसूरत लड़की इस दुनिया में पड़ी है, तुम किसी से भी अपना दिल लगा लेना। लेकिन आगे क्या होता है इस मोहब्बत की दास्तान में समाज फरमाइएगा। आप जज्बात में न खो जाएं, बाप माँ का ख्याल फरमाएं। रहने दो इश्क के फसाने को, कैसे समझाओगे जमाने को। बोला वो मुझको तुमसे उल्फत है, तुमको भी मुझसे क्या मोहब्बत है। बोली रुसवाई से मैं डरती हूँ, हाँ मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ। बाप राजू का था पहाड़ी पर, बातें सुनता था उनकी वो छुप कर। इस पहाड़ी के नीचे बैठकर टीले के नीचे ये बातें कर रहे थे। इत्तफाक से उसका बाप लड़के का वो बातें छुप कर सुन रहा था। और क्या होता है फिर, गुफ्तगू सुन के उनकी बल खाया, सख्त गुस्से में वो वहीं आया। डांट उसने लगाई राजू को, बोला इज्जत हमारी खोते हो। ये है कमतर गरीब नौकरनी, ऐसी ना चीज से मोहब्बत की। राजी हो इससे प्यारा जाने को, मुंह दिखाओगे क्या जमाने को। भूल जाओ तुम ऐसी कमतर को, चुप खड़े क्या हो अब चलो घर को। मलहूस अदब बाप का था कुछ नहीं कहा, सर नीचे अपना डाल के वो घर को चल दिया। सर नीचे अपना डाल के वो घर को चल दिया। सर नीचे अपना डाल के वो घर को चल दिया।
लेकर अपने घर आता है और दूसरे दिन जब वो काम पर आती है वो लड़की, तो क्या कहता है उससे? ओ जिमीदार बोला चंदा से, तूने ये क्या किया नमक खाके, तू खिलाने लगी है ऐसे बुल, शर्म गैरत नहीं तुझे बिल्कुल, है ख्यालात इस कदर गंदे, मेरे लड़के पे डाले हैं फंदे, हमने तेरा जमीर पहचाना, अपना घर काम करने तू आना, सुन के आंसू हुए रवा उसके, लब पे आहों का था धुआं उसके, फिर वो रोती हुई मुकद्दर को भर के पानी को ले गई घर को, अब वो राजू के घर न जाती थी, आंसू घर में पड़ी बहाती थी, अपनी किस्मत से था गिला उसको, एक राजू का खत मिला उसको, उसने लिखा था ऐ मेरी हमदम, जान लो बेवफा नहीं है हम, बाप की डांट सहना पड़ती है, सुन के चुप रहना भी भलाई है, उनका कोई ख्याल मत करना, डांट का तुम मलाल मत करना, अपने वादे को मैं निभाऊंगा, तुमको हरगिज न मैं भुलाऊंगा, खत वो पढ़ने से पाई कुछ राहत, उसने अपनी संभाली फिर हालत। एक दिन इस लड़की को उस लड़के का खत मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम मेरे बाप के कहने का कोई एहसास मत करना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता ही रहूंगा। और क्या होता है? काम बस्ती से घर में बोलाती, पीस कर आटा सबको दे जाती, दिल में लगी थी आग मोहब्बत की इस बदल, मोहब्बत की इस कदर, सोजे अलम से उसका जला जाता था जिगर, सोजे अलम से उसका जला जाता था जिगर, सोजे अलम से उसका जला जाता था जिगर। हर वक्त ये उसी की याद में खोई रहती थी, और यही हाल दूसरी तरफ राजू का भी था। क्या हाल था राजू का, जरा उसका हाल भी सुनिएगा। ऐसा ही हाल बस था राजू का, याद चंदा को हर घड़ी करता, दिल पे आरा सा एक चलता था, दिल संभाले नहीं संभलता था, इश्क में कौन सुख से सोता है, इसका मारा हमेशा रोता है, राजू को चैन जब नहीं आया, छुपके चंदा के घर वो जा पहुंचा, चंदा बैठी थी पास वालिद के, जर्द चेहरा था आंसू बहते थे, एक एहसास था गरीबी का, बाप का और इश्क का सदमा, देखा राजू को आता जो घर में, एक सौदा समा गया सर में। वो लड़की उठकर अलैदा चली जाती है और क्या कहती है समाज कीजिएगा। अब खुदारा हमें बुला दो तुम, दिल कहीं और अब लगा लो तुम, हम ना मंजिल पे पहुंच पाएंगे, आंसू ही उम्र भर बहाएंगे। बोला राजू के सब्र फरमाओ, अपनी हिम्मत को काम में लाओ, वक्त ऐसा जरूर आएगा, इश्क मंजिल को अपनी पाएगा, खौफे रुसवाई था इसी डर से, राजू छुप कर निकल गया घर से, लाख मुंह पर लगाइए ताले, ताड़ जाते हैं ताड़ने वाले। औरत ने उसे देख लिया घर से निकलते, औरत ने उसे देख लिया।
निकलते। उसने कहा ये राज सब घर जाके राजू के, उसने कहा ये राज सब घर जाके राजू के, उसने कहा ये राज सब घर जाके राजू के। मिलना जुलना ये देख लेती है और राजू के बाप से जाकर कहती है कि आपका लड़का उस लड़की के साथ रंगरलियां मनाता है, इस पर कंट्रोल कीजिएगा वरना आगे जो होगा वो आप समझते ही हैं। उसके बाद क्या होता है, इस लड़की पर क्या गजब टूटता है। सुन के घर वाले फिर तो घबराए, बोले अफसोस क्या किया जाए, लड़की जब तक रहेगी बस्ती में लड़का बेखुद रहेगा मस्ती में। फिर जिम्मेदार ने किया ऐसा, अपने कुछ नौकरों को बुलवाया, हुक्म उनको दिया कि तुम जाकर कर दो चंदा को बस्ती से बाहर। सब जिम्मेदार के गए नौकर, बोले चंदा से घर पे वो जाकर, छोड़ दो आज और अभी बस्ती वरना की जाएगी जबरदस्ती। बोली चंदा ना ये सितम उठाओ, बाप बीमार है तरस खाओ, ठीक होते ही बाप को अपने हम ये बस्ती भी छोड़ जाएंगे। नौकरों ने ना बात ये मानी, सबने घर खाली करने की ठानी। वो नौकर उस लड़की की कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं है और उसका सामान घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। उसके बाद उसके वालिद की चारपाई भी घर से बाहर निकाल के रख दी, घर का सामान था जो थोड़ा सा चंदा ने बैलगाड़ी में रखा। बाप को भी लिटाया गाड़ी में, बैलों को फिर लगाया गाड़ी में, बाप घबरा के जिंदगानी से कर गए कूच दारे पानी से। लड़की अपने बाप को उस गाड़ी में लिटाकर जब जा रही थी शहर की तरफ तो रास्ते में उसका बाप मर जाता है। फिर चंदा रोती थी आह भर भर के, वो शिकंजे में थी मुका करके, तंग होकर वो तंग दस्ती से गाड़ी लेकर चली वो बस्ती से। देखकर मुर्दा बाप का चेहरा, भूख उठती थी दिल तड़पता था, जुल्मों सितम की मार थी रोती थी जार जार, जुल्मों सितम की मार वो रोती थी जार जार, जुल्मों सितम की मार वो रोती थी जार जार, जुल्मों सितम की मार वो रोती थी जार जार। कुछ इस तरह से कहती थी वो हो के बेकरार, कुछ इस तरह से कहती थी वो हो के कुछ इस तरह से कहती थी वो हो के बेकरार, कुछ इस तरह से कहती थी वो हो के बेकरार, कुछ इस तरह से कहती थी वो हो के बेकरार। वो बेकरार होके क्या कहती थी, इस बात को आप कैसेट के बी साइड में सुनेंगे। लीजिए कैसेट पलटिएगा और आगे की दास्तान भी मुलाहजा फरमाइएगा। लड़की क्या कह रही है, बेकरार होके समाज फरमाइएगा, अपने नसीब का गिला परवरदिगार आलम से कर रही है। कैसे, मेरे मालिक नसीब में मेरे, तूने लिख
देखे हैरन जो गम कैसे है, कैसा जहां है ये तेरा, अब ठिकाना कहीं नहीं मेरा। बाप का एक सहारा था बाकी, हो गई आज मौत उनकी भी। मेरे मालिक बता किधर जाएं, मौत आए तो हम भी मर जाएं। रात अंधेरी थी और सफर तन्हा, अब सुनो हाल राजू के घर का। राजू खेतों से लौट कर आया, तब सुना हाल उसने चंदा का। उसने माँ बाप से फिर ये पूछा, तुमने चंदा पे जुल्म क्यों ढाया। मैंने की बात उससे खुद जाकर, मुझको भी कर दो गांव से बाहर। वो कहता है कि आपने उसी लड़की को अकेले सजा क्यों दी, खता तो मेरी थी, मैं ही जाता था उससे मिलने के लिए, बात करने के लिए, आप मुझे भी गांव से बाहर कर दो, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर। फिर क्या होता है सुनेंगे। जुर्म मैंने किया सजा उसको, क्यों निकाला है बेखता उसको। तुमने चंदा को जब निकाला है, बंदा ये बिना रहने वाला है। तैश में जब चला है वो मुड़कर, सर में दीवार का लगा पत्थर। खून की धार सर से बह निकली, गिर पड़ा उस पे आई बेहोशी। बाप माँ देख कर ये घबराए, गांव वाले भी दौड़ कर आए। माँ बाप उसको देख के रोते थे जार जार, माँ बाप उसको देख के रोते थे जार जार, माँ बाप उसको देख के रोते थे जार जार, माँ बाप उसको देख के रोते थे जार जार। और देखने वाले थे सभी लोग बेकरार, और देखने वाले थे सभी लोग बेकरार, और देखने वाले थे सभी लोग बेकरार। जब अपने घर से नाराज होकर मुड़कर चलता है तो सामने दीवार में इसका सर लगता है, खून की धार। जब देखते हैं घर वाले तो घबरा जाते हैं, जल्द से एक हकीम को लाया जाता है। और फिर क्या होता है सुने। लाए जाकर हकीम को जल्दी, बांधी फिर उसने चोट पर पट्टी। बोला फिर ये हकीम वालिद से, चोट अंदर है भेजे में इसके। 12 घंटे में होश आ जाए, तब है उम्मीद ये शफा पाए। कोई सदमा जो इसको पहुंचेगा, होगा फिर इसकी जान को खतरा। कोई रंजीदा बात मत कहना, बैठना पास जागते रहना। होश आए तो खुश किसे करना, सामने इसके आह मत भरना। इतना कह कर गया हकीम उनसे, गमजदा बाप माँ थे राजू के। कह रहे थे कि राजू बच जाए, शादी कर देंगे इसकी चंदा से। माये बोली के वक्त मत डालो, चंदा हो जिस जगह भी बुलवा लो। फिर जिमीदार ने किया ऐसा, अपने कुछ नौकरों को बुलवाया। बोला घोड़ों पे बैठ कर जाओ, चंदा को जल्द ढूंढ कर लाओ। इतना सुन कर गए वो सब नौकर, दौड़े चारों तरफ की राहों पर। ढूंढा चंदा को हर जगह, लेकिन ढूंढा चंदा को पर नहीं पाया। काफला नौकरों का लौटाया, सुबह को होश राज को आया। उसके माँ बाप ने सुकून पाया, ढूंढा 10 रोज तक तो चंदा को। जब न पाया तो बोले अब क्या हो। राजू ने कहा लौट
तूने कहा लौट के वो अब न आएगी। रंजो आलम से जान वो अपनी गवाएगी, रंजो आलम से जान वो अपनी गवाएगी, रंजो आलम से जान वो अपनी गवाएगी। राजू कहता है कि वो लौट कर नहीं आ सकती और तुम लोगों ने उसे इतना रंज गम दिया है कि वो कहीं जान ना गंवा दे। उसके बाद क्या होता है आगे समाज फरमाइएगा हजरात, ये बड़ी दिलचस्प कहानी चल रही है। हैफ तकदीर देखो राजू की, ओके बीमार मर गई माँ भी, उसका गम और हो गया दूना, माँ के मरने से घर हुआ सूना, याद चंदा की भी सताती थी और फिर माँ की याद आती थी। हो गए खत्म कह कहे घर में, बाप बेटे ही रह गए घर में, के जिम्मेदार एक दिन तन्हा, बोला मुंशी के घर हुआ सूना, थी जिम्मेदार नी तो घर क्या था, गोया जन्नत का एक नमूना था। फिक्रो गम दिल मिले तो दूर करो, अब हुजूर आप शादी ही कर लो, अच्छी सेहत है तंदुरुस्ती है, उम्र इस दम जवान लगती है। ये जिम्मेदार ने कहा सुनकर, सो तो मैं घूमता हूँ खेतों पर, शादी हो जाए तो करा दीजिए, कोई औरत हो तो बता दीजिए। बोला वो एक जवान लड़की है, आपको इस घड़ी वो राजी है, हाँ मगर एक शर्त है इसकी, पूरी कर दोगे होगी तब शादी, घर जमीन उसके नाम कर दीजिए, शौक से आप शादी कर लीजिए। उस जमींदार का नौकर एक दिन अपने मालिक को सलाह दे रहा है कि आपकी बीवी मर गई है, लेकिन आप कोई अभी बुढ़े हैं, आप तो माशाल्लाह अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी हैं, दूसरी शादी को नहीं करते। तो जमींदार सुनकर कहता है कि हाँ मैं तो अभी खेतों में घूम के आता हूँ, तंदुरुस्त हैं, अगर कोई लड़की हो तो करा दीजिए शादी। तो वो कहता है कि हाँ लड़की तो है, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी घर जमीन सब नाम करना पड़ेगा पहले उसको, उसके बाद ही शादी हो सकेगी। आगे क्या होता है सुने। घर जमीन उसके नाम कर दीजिए, शौक से आप शादी कर लीजिए। बोला मंजूर शर्त ये हमको, कौन लड़की है नाम तो खोलो। बोला वो मुंशी हो गए अब आप कामयाब, बोला वो मुंशी हो गए अब आप कामयाब, बोला वो मुंशी हो गए अब आप कामयाब, बोला वो मुंशी हो गए अब आप कामयाब। तहसील चलो लड़की है मुन्नी मेरी जनाब, तहसील चलो लड़की है मुन्नी मेरी जनाब, लड़की के साथ आपके यहाँ रिश्ता करने के लिए राजी हूँ, आप तहसील तो चलिए मेरे साथ और ये घर जमीन सब नाम कीजिएगा पहले। इतना सुनते ही उस जमींदार के मुंह में पानी आ जाता है और क्या होता है समाज फरमाइएगा। मुंह में भर आया पानी ये सुनकर, बोला भर तू मैं क्या, बोला भर तू मैं क्या तुम्हारा घर। नाम मुन्नी के उसने फौरन ही सब मकान और जमीन लिखवा दी, सर में ऐसा समा गया सौदा, करके शादी दुल्हन को घर लाया। बोला राजू से बाप है बेटा, घर ता सूना में शादी कर लाया, राजू की दूसरी जो माँ देखी, राजू ने दूसरी जो माँ देखी,
उसने ताजीम सिद्क दिल से की। राजू बेशक ही नेक था लड़का, फर्क उसने जरा नहीं समझा। कुछ दिनों तो रही खुशी घर में, फिर मुसीबत ये आ गई घर में। करके सिंगार एक दिन मुन्नी, बे इजाजत ही शहर को चल दी। ये जिमीदार ने कहा उससे, तू कहाँ जाती है बिला पूछे। बोली मैं आज शहर जाती हूँ, बैठकर घर में हौल खाती हूँ। बोला तुमने कमाल कर डाला, शहर जाती हो वो भी तुम तन्हा। गौर उसने नहीं किया इस पर, बैग लेकर निकल गई घर से। चार दिन में वो लौट कर आई, नौजवान एक वकील को लाई। बोला राजू के बे इजाजत के, अजनबी हो के घर में क्यों आए। बोला वो नौजवान वकील उससे, अब तो मालिक नहीं हो तुम घर के। घर और सिमी नाम है मुन्नी के, सुनो तुम। घर और सिमी नाम है मुन्नी के, सुनो तुम। घर और सिमी नाम है मुन्नी के, सुनो तुम। घर और सिमी नाम है मुन्नी के, सुनो तुम। बेकार की बकवास अब हमसे न करो तुम। बेकार की बकवास अब हमसे न करो तुम। बेकार की बकवास अब हमसे न करो तुम। वकील कहता है कि मिस्टर, अब तुम्हारा क्या है यहाँ? तुम्हारे बाप ने ये सारी जमीन घर इस लड़की के नाम कर दी है। ये सुनते ही राजू को गुस्सा आता है, लेकिन आगे क्या होता है उन दोनों में, वकील में और राजू में, समाप्त कीजिएगा। बोला राजू के होश में आओ, घर से बाहर अभी निकल जाओ। इतना सुनकर वकील ने चट से मारा पड़कर तमाचा राजू के। राजू गुस्से में एकदम आया, उसने फौरन जिमी पे दे मारा। लात घूसों से फिर मरम्मत की, बोला लो ये सनद वकालत की। बोली मुन्नी के मेरे बेहमा की, तूने की है ये जिल्लत खारी। इसका तुझको मजा चखाऊंगी, नीचा दोनों को मैं दिखाऊंगी। मालो दर ले के साथ में अपने, बोली वो फिर वकील से अपने। सोजे नफरत में जल गए दोनों, घर से फौरन निकल गए दोनों। दिल जिमीदार का ये फिर रोया, शादी करके वकार को खोया। अफसोस हमने करके बुढ़ापे में ये शादी, इज्जत जो खानदान की थी हमने गवा दी। इज्जत जो खानदान की थी हमने गवा दी। इज्जत जो खानदान की थी हमने गवा दी। जिमीदार को अब अफसोस होता है उसके जाने के बाद कि मैंने बेकार ही दूसरी शादी की अपने मजे के लिए। वो तो चली गई छोड़ के, और मेरा घर जमीन भी सब चला गया। आगे क्या होता है सुने। मुन्नी जाकर वकील के घर ठहरी, हो गई उनमें दोस्ती गहरी। था जिमीदार रात को घर में, एक जुनू सा समा गया सर में। लुत्फ पाया न उसने जीने में, मार ली गोली अपने सीने में।
था बराबर के कमरे में राजू, खूब अंधेरा था रात का हर सू, सुन के आवाज गोली की उठा, भाग कर देखा बाप का कमरा, बंद कमरा था उनका अंदर से, देखा खिड़की से झांक कर उसने, बाप घायल थे और तड़पते थे, एक पिस्तौल पास था उनके, एकदम राजू जोर से चीखा, शोर उसका मोहल्ले में गूंजा, खोला दरवाजा उसने बाहर का, एक हुजूम लोगों का आया, तोड़ा दरवाजा सबने कमरे का, हाल फिर उसके बाप का देखा। गोली लगी थी सीने में थे खून में डूबे, गोली लगी थी सीने में थे खून में डूबे, गोली लगी थी सीने में थे खून में डूबे, गोली लगी थी सीने में थे खून में डूबे। फौरन संभाला राजू ने फिर गोद में लेके, फौरन संभाला राजू ने फिर एक दिन ये जमींदार आदमी इतने टेंशन में था, रात को सारी बातें सोचता है, और जब उससे नहीं रहा गया तो अपने ही पिस्तौल से अपने सीने में गोली उतार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर बराबर के कमरे से इसका लड़का राजू भी आ जाता है, और सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, शोरगुल सुनकर सभी आ जाते हैं। जब दरवाज़ा तोड़कर देखते हैं तो सीने में गोली लगी थी और खून में डूबे हुए थे इसके बाप, लेकिन इसने संभाला और अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ समाज फरमाइएगा। होश इतने में उनको फिर आया, देखा राजू को और फरमाया, हमने चंदा पे जुल्म जो ढाया, उसका अंजाम हमने ये पाया, उसका घर हमने जो उजाड़ा था, उसका कुदरत ने ले लिया बदला, बेटे मिल जाए तुमको जो चंदा, शादी उससे जरूर कर लेना, हाय तुमको अकेला ही छोड़ा, इतना कहते ही उसने दम तोड़ा। ये रईस आदमी यही दम तोड़ देता है, मर जाता है। अब आगे क्या होता है सुने। राजू रो रो पछाड़े कांता था, हाल उसका न देखा जाता था, रंज से बस्ती वाले रोते थे, देखने वाले होश खोते थे, दिन जो निकला तो फिर पुलिस आई, जो हकीकत थी राजू ने कह दी, बोला कमरा था बंद अंदर से, खुदकुशी की है बाप ने मेरे, पाई फुर्सत पुलिस के जाने से, उनकी मिट्टी लगी ठिकाने से। अब सुनो हाल आगे मुन्नी का, बाप जब उससे मिलने को पहुंचा, बोली झुंझुला के तुम चले जाओ, बाप हो कर दिया है दुख मुझको, की थी लालच में बूढ़े से शादी, एक कौड़ी तुम्हें नहीं दूंगी, मुझको खोया है जर परस्ती में, मेरे अरमा मिलाए मिट्टी में। अब सुनो हाल और मुन्नी का, उसने देकर वकील को धोखा, एक जिम्मेदार शहर में ढूंढा, शहर से दूर गांव था उसका, 6 लाख में सब घर वो जिम्मेदारी उसको दी, 6 लाख में सब घर वो जिम्मेदारी उसको दी, 6 लाख में सब घर वो जिम्मेदारी उसको दी, 6 लाख में सब घर वो जिम्मेदारी उसको दी। रहने के लिए कोठी वही एक खरीद ली, रहने के लिए कोठी वही एक खरीद, था
जिम्मेदार वो बहुत अच्छा, सबसे अच्छा सुलूक करता था, लोग सब शाद उससे रहते थे, सब जिम्मेदार उससे कहते थे। राजू रहता था बाप के गम में, दिल न लगता था ऐसे आलम में, वो जिम्मेदार एक दिन चल के घर पे राजू के पहुंचा वो मिलने, बोला ज्यादा तुझो तुम्हारी है, हमने मुन्नी से सब खरीदी है, सब जिमी और मकान हमें दोगे या कोई उजर उसमें लाओगे, बोला राजू ये सब तुम्हारा है, उजर कोई नहीं हमारा है, चाबियां लो अभी मकानों की, छोड़ दी हमने सब जिम्मेदारी, नौकरी हम कहीं भी कर लेंगे, बेईमानी ना अपने सर लेंगे, वो जिम्मेदार बोला ऐ भाई तुमने ईमानदारी दिखलाई, तुम मकान रखो अपने कब्जे में, तुमको समझूंगा भाई रिश्ते में, काश्तकारी का काम करवाना, गल्ला जो कुछ हो घर पे पहुंचाना, जो भी लागत हो और मजदूरी तुमको देता हूँ वो अभी पूरी, और खर्चे को भी रकम ले लो इसका, लेकिन हिसाब सब रखो। कारिंदे मेरे आज से हो भाई तुम मेरे, खर्चा करो और खाओ पियो खूब मौज से, खर्चा करो और खाओ पियो खूब मौज से, खर्चा करो और खाओ पियो खूब मौज से। शादी जो की थी एक जमींदार के साथ, वो एक दिन कहता है राजू से कि तुम्हारा ये घर और मकान जो है ये मेरे कब्जे में है, लेकिन मैं ये घर तुम्हें रहने के लिए दे रहा हूँ और ये खेती तुम्हारे पास काम कर धंधे के लिए रख रहा हूँ, तुम इसमें जो भी पैदा हो वो मेरे घर पहुँचा देना, और मेरा घर दूर है तुम पता लिख लो, आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। दूर है घर मेरा पता लिख लो, देख लो चल के तुम मेरे घर को, बोला राजू मैं परसों आऊंगा, हाल खेती का सब बताऊंगा, आपका हो गया मैं कारिंदा, देखना काम आगे आइंदा। राजू ने खूब उसकी खातिर की, जो भी नेमत मिली वो हाजिर की, फिर जिम्मेदार हो गया रुखसत, खुश था राजू की देख कर आदत, तीसरे रोज पहुंचा राजू भी, एक जिम्मेदार की हवेली थी, एक बैठक थी खुशनुमा बाहर, उसका दरवाजा एक था अंदर, उसकी बैठक में जाके जब बैठा, एक नौकर ने उसको बतलाया, बस जिम्मेदार आते होंगे अब, आपका उनसे कहिए क्या मतलब, उसने सब हाल अपना बतलाया, मैं जिम्मेदार का हूँ कारिंदा, खाना ला कर खिलाया नौकर ने, बोला आराम आप कर लीजिए, एक दरवाजा पीछे बैठक का, आने जाने को घर में खुलता था, एकदम से खुला वो दरवाजा, राजू ने मुड़ के उस तरफ देखा, चांद सा एक हसीन चेहरा था, यानी चंदा थी उसकी महबूबा, बेस्टी मत लिबास अतलस का, और सारा सुनहरी जेवर था, उसके जलवे में थी वो ताबानी, जैसे परियों की हो कोई रानी। देखा जमाल राजू ने उस महजबीन का, देखा जमाल राजू ने
खुद हुआ के देखता ही उसको रह गया, बेखुद हुआ के देखता ही उसको रह गया, बेखुद हुआ के देखता ही उसको रह गया। जब राजू ने अपनी चंदा को देखा वहां बैठा हुआ उस घर में, और उनकी निगाह से निगाह टकराती है, आखिरी बंद में क्या होता है, इन दोनों का मिलन किस तरह से होता है, समाज फरमाइएगा। जब निगाह से निगाह टकराई, कैफियत और ही नजर आई, याद आए जो दिन उन्हें पिछले, आंसू दोनों की आंख से निकले, होश जब संभला उसने राजू से, चंदा ने फिर ये पूछा राजू से, आप कैसे यहाँ तक आ पहुंची। वो लड़की चंदा अपने राजू से पूछती है, और राजू अपनी चंदा से पूछता है, एक दोनों के दिल की बातें पूछते हैं किस तरह से, समाज फरमाइए। आप कैसे यहाँ तक आ पहुंची, आपको ढूंढा पर न मिल पाई, बोली वो रात भर सफर करके, दिन जो निकला तो हम यहाँ पहुंचे, रोते आते थे बैलगाड़ी पर, आए हम जब के इस हवेली से बूढ़ी माँ निकली, देखकर हमको पास तक पहुंची, बैलगाड़ी हमारी रुकवाई, बाप की भी ये लाश उतरवाई, हमको अपने गले से चिपटाया, बाप को भी ठिकाने लगवाया, प्यार माँ का दिया तसल्ली दी, बोली इस घर से तू न जाएगी। कहती है कि मेरे बाप का जनाजा जो गाड़ी पर लाद कर मैं ला रही थी, इन्हीं बूढ़ी माँ ने मोहल्ले वालों की मदद से दफनाया, और कहा कि बेटी तू बहुत परेशान हाल है, अब यहाँ से नहीं जाएगी, मैं तब से यहीं पर हूँ। उसके बाद क्या होता है, वो बूढ़ी माँ इन दोनों का प्यार देखकर इन दोनों की शादी करा देती हैं, और इनके दिल के अरमान किस तरह पूरे होते हैं, समाज कीजिएगा। शौक साहब क्या कहते हैं। बूढ़ी माँ भी हवेली से आई, दास्तां उनकी जब समझ पाई, करके राजू से चंदा की शादी, दिल की हसरत निकाल दी उनकी, राजू चंदा को लेके घर आया, वो जिम्मेदारी उसको लौटा दी, हो गई दूर सारी बर्बादी। ऐ शौक उन्हें इश्क की मंजिल भी अब मिली, और हैसियत भी दोनों की पहले से बढ़ गई।